नमस्कार कैसे आते हो कथा बढ़िया में दोस्तों, स्वागत करता हूँ वापस देखने वीडियो में। दोस्तों अभी झंडा चौकी करने के लिए आए हुए हैं, यहाँ पे धान कटाई हो रहा है। तो अभी देखिए किस तरीके से लोड दे रहे हैं हम गाड़ी को, तो दिखाते हैं आप लोगों को किस तरीके से लोड दे रहे हैं। यहाँ पे झंडा जो है ना धोनी हो रहा है। तो दोस्तों ये रहा मेरा महिंद्रा जीवो, तो यहाँ पे हम धोनी करने के लिए आए हैं धान झाड़ने के लिए। तो RPM यहाँ पे 15 RPM पे चलाना पड़ रहा है, इसलिए कि बीबी 11 धान है और ये झट्टा है, पुआर नहीं है। बोले तो ऐसा नहीं छोपा हुआ नहीं है, ऐसा छोपने वाला नहीं है, इसलिए ये छोटा छोटा छोपा हुआ है, उसको कट किया है। लेकिन जो है ना ये बहुत झट्टा है, ये देखो, ये देखो कितना बड़ा बड़ा है। फिर भी ये धोनी करने के लिए आना पड़ा। तो देखिए यहाँ पे लोड दे रहा है बेटा, लोड दो। हेलो, लौट देखे। तो दोस्तों सुना है जाल को, वीडियो देखे होंगे आप लोग तो सही है, तो पता चलता होगा एक थोड़ा भी धान नहीं जा रहा है आगे। पुआल में धान जा रहा था पहले, पर जो ना अभी थोड़ा भी नहीं जा रहा है। इसमें रीजन यही था जाल बनाने का, मुझे अपना से बनाए यानी कि 6 साल से हम दूसरे जगह बनाते मैं थक गया था, और फिर भी धान आगे जा ही रहा था। लेकिन जो है ना इस बार हम जो बनाए हैं जाल को, तो परफेक्ट अच्छे तरीके से हो गया है, बिल्कुल सही हो गया है। बोरा भी धान पुआल में नहीं जाता है, ऐसे जाल बनाना चाहिए। तो दोस्तों अब हम दिखाते हैं आप लोग को धान कैसे फ्रेश निकल रहा है। देख सकते हो आप लोग इस तरीके से धान फ्रेश निकल रहा है, बिल्कुल फ्रेश। तो अभी हम दूसरे जगह धोनी कर रहे हैं, और इससे पहले जो धोनी कर रहे थे दूसरे जगह कर रहे थे, तो यहाँ पे आप लोग को दिखाने के लिए मुझे ये वॉइस ओवर करके बताना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये जाल बनाने का रीजन यही था, आगे धान जा रहा था और धान फ्रेश नहीं निकल रहा था, बट जो है ना इस बार बहुत अच्छे से काम कर रहा है, धान बिल्कुल फ्रेश निकल रहा है कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो जाल ऐसे बनाओ कि बिल्कुल कस्टमर आपको चाहे जैसे मुझे चाह रहा है। अभी जाल जो बनाए हैं इतना 6 साल चला है, लेकिन जो है ना 6 साल पहले बनाए थे इसको, तब भी जो है ना धान जाना बंद नहीं हो रहा था पुआल में, बट इस बार जो है ना बिल्कुल कंप्लीट हो गया है मेरा रंबा, मेरा थ्रेसर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है यार। अब जाके थोड़ा सुकून मिला है, और इस बार बहुत ज़्यादा चला है, जो बात है पुआल में धान ना जाने से बहुत ज़्यादा चला है रंबा। काम फ्रेश करोगे तो कोई भी इंसान चाहेगा, परेशानी पहले बहुत ज़्यादा होता था जब हम थ्रेसर लेकर निकलते थे, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होता था, बट जो है ना इस बार बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरा थ्रेसर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार बहुत अच्छे तरीके से चलाए हैं, बहुत ज़्यादा चलाए हैं, 6 साल से चला रहे थे लेकिन धान आगे जाना बंद नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार कम्प्लीटली सही हो चुका है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक से कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।